मॉर्निंग सर क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे से होंगे। आज आपका हिंदी लिटर का लेसन 6 है, ठीक है, जिसका नाम है अच्छे बनो। ये देखिए मैंने यहाँ पर बुला दिया। अब मैं रीड कर रही हूँ ये कहानी, आपको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी कल की बात है कि पुलकित के चाचा जी अपने किसी मित्र से मिलने के लिए उनके घर गए। पुलकित जो है एक बच्चा है, तो वो अपने चाचा जी के साथ उनके मित्र के घर गया, ठीक है। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम पुलकित है, ठीक है। पुलकित भी उनके साथ गया। पुलकित वहाँ खुश होकर सोफे पर चढ़कर उछल कूद मचाने लगा। उसने देखा फ्रिज में बहुत से सेब रखे हैं, वह बहुत खुश हुआ। उसने एक एक करके 3-4 सेब अपने हाथों से निकाल कर खा लिए। एक मेज पर कुछ कागज रखे थे, उसने वैसा उलट पुलट कर डाले। मेज पर रखा फूलदान भी उसकी उछल कूद के कारण गिरकर टूट गया। अपने चाचा जी के रोकने पर भी वह नहीं रुका। क्या करा उस बच्चे ने? उस बच्चे ने अपने चाचा के साथ जाके पुलकित ने उनके चाचा के फ्रेंड के घर जाके क्या किया, बिना पूछे उसने क्या किया, फ्रिज में जो सेब रखे थे उनको निकाल लिया बिना किसी की परमिशन के, ठीक है, बिना पूछे। 3-4 सेब उसने अपने हाथों से निकाल कर और खा लिए। और मेज पर क्या रखा था? कागज रखे थे, उसने वे सब उलट पुलट कर डाले। मेज पर रखा हुआ फूलदान भी उसने उछल कूद करके तोड़ दिया। अपने चाचा जी के रोकने पर भी वह नहीं रुका। वो जब सब शरारते कर रहा था, उसके चाचा ने कहा कि ऐसा नहीं करो, फिर भी वो उनके कहने पर नहीं रुका। चाचा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वे कर भी क्या सकते थे, वे चुप रहे। थोड़ी देर के बाद वे घर लौट आए। उन्होंने सारी बात पुलकित की मम्मी को बताई। चाचा ने पुलकित की बात किसको बताई? पुलकित की मम्मी को बताई घर में आने के बाद। मम्मी भी पुलकित पर बहुत नाराज हुई। नाराज होने वाली बात थी कि बच्चे ने जाके दूसरे घर में जाके शरारते करी, जाहिर है नाराज होने वाली बात थी। पुलकित को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब उसके चाचा ने समझाया और पुलकित की मम्मी ने समझाया, तो उसको लगा कि हाँ मैंने गलती की, उसको एहसास हुआ। इससे पहले कि मम्मी कुछ कहती, ठीक है, मम्मी ने कुछ कहा नहीं, मम्मी के कुछ कहने से पहले पुलकित बोल उठा, सॉरी मम्मी, आइंदा ऐसी गलती नहीं हो, ठीक है। अच्छा आप मुझे बता दो कि अच्छा बालक बनने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी होती हैं? किसने कहा? पुलकित ने अपनी मम्मी से सॉरी कहा और कहा कि आप बता दो मुझको कि अच्छी अच्छी आदतें कैसी होनी चाहिए और आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, और आप मुझे बता दीजिए कि अच्छा बच्चा बनने के लिए हमें कौन कौन सी बातें जरूरी होती हैं, आप मेरे को बताइए, ठीक है। माँ का गुस्सा शांत हो गया। माँ बोली, पुलकित आज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ठीक है। उसने मम्मी ने क्या कहा कि बेटा आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अच्छे बच्चे सदाचार का पालन करते हैं, ठीक है। पुलकित बोला, मम्मी सदाचार किसे कहते हैं? इस पर माँ ने कहा, बेटा सदाचार का अर्थ है अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार। क्या मतलब है बताइए सदाचार का? सदाचार का मतलब है अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार, ओके। अब आगे देखते हैं, यदि आपका आचरण अच्छा होगा, आप किसी के सामने अच्छा व्यवहार करोगे, तभी आप अच्छे बन पाओगे, ठीक है। जब आपका आचरण अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा करोगे दूसरे के सामने, ठीक है, तो तभी आपका अच्छा व्यवहार होगा और तभी आप अच्छे बन पाओगे। अच्छा बनने की कुछ बहुत बातें हैं, लेकिन देखिए आपको दी जा रही है, अच्छा बनने की कुछ बातें ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत सी बातें हैं, पर इसमें कुछ दी जा रही है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आप भी बच्चों आप भी ध्यान से सुनना, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, आप भी इसका ध्यान से सुनना आगे के लिए। जब भी तुम किसी किससे मिलो, उनसे नमस्ते कहना मत भूलो, ठीक है। अच्छी आदतों की मैं बातें बता रही हूँ, कौन कौन सी है देखिए। कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद अवश्य करो। कोई आपको कोई चीज देता है, आपको थैंक यू बोलते हो ना, तो आप उनको थैंक यू बोलते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, ठीक है। देन आगे देखते हैं, कोई ऐसी बात ना कहो जो दूसरे को बुरी लगे। अच्छी आदतों में कौन सी चीज है, और के कोई हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो किसी के मन को ठेस लगे, किसी के मन को दुख हो उससे उसको बुरी लगे।
आगे देखते हैं, कम बोलो मीठा बोलो सदैव सच बोलो, कोई तुम्हारे घर आए तो उसका स्वागत करो, किसी के घर जाओ तो पहले घंटी बजाओ या दरवाजा खटखटाओ। जैसे किसी घर जाते हैं बच्चे क्या करते हैं, दरवाजा पीटते रहते हैं, धर धर करते हैं, बैल जो लगी होती है वो नहीं बजाते, तो ये भी एक बैड मैनर्स होता है। ठीक है, इसके लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें जो बैल लगी होती घंटी होती है वो हमें बजानी होती है, अगर घंटी नहीं होती बाई दे तो क्या करते हैं हम दरवाजा खटखटाते हैं बड़े आराम से। और आगे देखेंगे, किसी के सामान से छेड़छाड़ मत करो, कहीं किसी घर में जाते हैं तो किसी के सामान को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जैसे अभी पुलकित ने अपने चाचा के मित्र के घर किया था। और अच्छी आदत के लिए देखिए, कहो किसी सार्वजनिक स्थल पर भी जाओ तो वहां के नियमों का पालन करो, अन्यथा तुम्हें दंड भी भोगना पड़ सकता है। सार्वजनिक जैसे जाते हैं हम पार्क में जाते हैं वहाँ, उसका भी एक टाइम टेबल है कि कब जाना है कब नहीं जाना, कोई चीज़ जो होती है कि हमें वहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है, वो फूल होते हैं वहाँ पे, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उनका भी हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, माता पिता और गुरुओं का आदर करो, अपने मम्मी पापा का और आपके जो टीचर होते हैं उनका गुरुओं का हमें आदर करना चाहिए, कभी लालच मत करो, आज का कार्य कल पर मत छोड़ो, ठीक है, जो आज का काम है हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए कि आज करे सो कल कर, ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छा काम हमें आज ही करना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदतों में है। अब आगे देखते हैं, सदा मन लगाकर पढ़ो, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखो, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, बस यही सब बातें हैं कि जो तुम्हें एक अच्छा बालक बनने में मदद देंगी, समझ गए ना। पुलकित से किसने कहा था, मम्मी ने, हाँ मम्मी पुलकित बोला, अब मैं आपको अच्छा बालक बनकर दिखाऊंगा, माँ बोले शाबाश पुलकित मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो इसलिए इस लेसन में हमने क्या सीखा, इस लेसन में हमने ये सीखा है कि हमें अच्छा कैसे बनना चाहिए, इसमें अच्छे बनने की बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है। जो लड़का था कितने शरारतें करता था, जब उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि अच्छी आदत बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितने सारे अच्छी आदत की इसमें बारे बताया गया, देखो किसी को बुरा मत कहो, ठीक है, दोबारा मैं आपको जैसे बता रही हूँ, कोई तुम्हारे घर आए तो उसका स्वागत करो, कोई तुम्हें कोई चीज़ दे तो वो उसको धन्यवाद दो, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी, और आप भी आगे से अपने मित्र के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं पर भी जाएंगे तो अच्छा व्यवहार करें।